साधा नाम है हबीबुल्ला फैजी। सुनेंगे आप हजरात, सुनेंगे आप लोग, जो लोग सुनेंगे जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। अब जनाबे भाई कफील अंबर ये एतराज करेंगे कि इतने बड़े शायर को हमने बुलवाया और आपने कोई तारुफ नहीं करवाया। भाई हजरत हबीबुल्ला फैजी का तारुफ हम क्या कराएं, हजरत हबीबुल्ला फैजी उम्र में मुझसे बड़े हैं। अब ये कितने बड़े हैं ये जानने के लिए हिसाब का जानना बहुत जरूरी है, जो मुझे आता ही नहीं। अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हिसाब में फेल क्यों होता, अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हर किसी की तारीफ क्यों करता, अगर मुझे हिसाब आता तो मैं अदब की सब्जी मंडी में बैठकर हीरे की नीलामी क्यों करता। आप कहेंगे कि हिसाब नहीं आता है तो दरसगाह में बैठकर इल्मे मीराज कैसे पढ़ाओगे। मैं कहूंगा मेरे भाई आपने कभी पत्थरों से नहीं पूछा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम दरियाओं में क्या कर रहे हो, नहीं आती है तो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन क्यों बने हुए हो, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर क्यों बने हुए हो, इल्मे उरूज नहीं जानते हो तो शायरी क्यों करते हो। फैजी का कद शायरी के एतबार से और लहजे के एतबार से इतना बुलंद है कि उस तक तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। और वैसे भी मधुपुर की दो चीजें पूरे मुल्क के लिए बहुत मशहूर हैं, एक मधुपुर का हबीबुल्ला, एक मधुपुर का रसगुल्ला। अब जो लोग हबीबुल्ला को सुनना चाहते हैं वो लोग यहाँ बैठे, जो लोग रसगुल्ला खाना चाहते हैं वो लोग मधुपुर जाएं, जो लोग सुनना चाहते हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन, जरा मोहब्बत के साथ, जरा मोहब्बत के साथ बोल दें दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन या हुसैन या अली। हजरत हबीबुल्ला फैजी आलमी शोहरत याफ्ता शायर, जिनका लहजा, जिनका अंदाज, जिनका डिक्शन पूरे मुल्क के लिए नहीं मुल्क के बाहर के लिए भी एक मिसाल की हैसियत रखता है। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे, हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। जिसंत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिसंत वो जीशान गया, नेमतें जिसंत वो जीशान गया, साथ ही शिये रहमत का कलम दान गया, नेमतें बांटता जिसंत वो जीशान। केल खबर जाद की गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जाद के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कुल हिंद नातिया मुशायरा हजरत हबीबुल्ला साहब फैजी। साथ ही शेर का कलम केले खबर जाद के घरों की तरफ
अकेले खबर जाग के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आपा मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जी सुनते वो जीशान गया। और ये शेर सुनेंगे जरूर मचल जाएंगे के उन्हें जाना के उन्हें जाना उन्हें माना रखा घर से उन्हें जाना उन्हें माना रखा घर से काम लिल्लाही हमद में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत अच्छे लिल्लाही हमद में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत हबीबुल्ला फैजी कुल हिंद नातिया मुशायरा जीशान गया के साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, नेमतें बांटता जी संत वो जीशान गया, नेमतें के यार तुम पर के यार तुम पर मेरे आका की इनायत नज़र के यार तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। क्या बात सुभान अल्लाह जी संत वो जीशान के साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, नेमतें बांटता जी संत वो जीशान गया के साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, नेमतें बांटता जी संत वो जीशान 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 गया। वाह 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 दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह और रब्बुल मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।